नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। महेंद्रगढ़ के पाली गांव में चल रहे गुरुकुल संचालक द्वारा इलाज कराने आई एक युवती का वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जी हां, सदर थाना पुलिस ने गुरुकुल संचालक कमलकांत के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वहीं ग्रामीणों ने भी मंगलवार को एसपी से मुलाकात कर गुरुकुल बंद कराने की मांग की है। और यहां पर पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित युवती ने बताया कि वह जनवरी 2022 में गांव पाली स्थित गुरुकुल में इलाज कराने के लिए गई थी और वह गुरुकुल में ही पंचगव्य औषधि की ट्रेनिंग लेने लग गई और इसी के चलते गुरुकुल संचालक ने उसे गुरुकुल में कुछ दिन रहने को कहा और इस दौरान खाने में उसको कुछ दवाइयां भी दी जाती थी। इन दवाइयों को खाने के बाद वह बेसुध रहने लगी और गुरुकुल के जिस कमरे में उसे ठहराया गया था उस कमरे के अंदर छिपाकर एक कैमरा लगा हुआ था और कमरे के अंदर दरवाजे की कुंडी भी नहीं थी। और इस दौरान गुरुकुल संचालक कमलकांत ने कुछ आपत्तिजनक वीडियो बना ली और ये वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर कमलकांत ने शारीरिक शोषण शुरू कर दिया। पाली गांव में जो कथित तौर पर गुरुकुल चल रहा है उसमें उनके साथ यौन उत्पीड़न की जो शिकायत दी है उस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए महेंद्रगढ़ पुलिस ने FIR सदर महेंद्रगढ़ थाने में 12 नंबर FIR दर्ज करी है और मुकदमा भी तफ्तीश अनुसंधानहीन है, तफ्तीश चल रही है। इसमें जो इसमें आरोपी है उनसे भी पूछताछ की गई है और महिला के जो नियमानुसार बयान कराए जाएंगे, जैसे भी साक्ष्य आएंगे आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, महिला ने क्या शिकायत दी है, इसमें किस तरह के आरोप लगाए? महिला ने शिकायत दी है कि जनवरी 2022 के आसपास वह यहाँ पाली गांव में जो गुरुकुल चल रहा है उसमें आई थी और उनके साथ गुरुकुल संचालक द्वारा कुछ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं और कुछ महीने वो यहाँ रही थी और उसके बाद इनसे उनकी बातचीत थी और कुछ और भी बातें जो उन्होंने FIR में बताई हैं उनका अनुसंधान किया जा रहा है, तफ्तीश की जा रही है। तो जैसे भी इसमें आगे साक्ष्य आएंगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो आज ग्रामीण भी मिले थे सर, क्या आश्वासन दिया? ग्रामीणों को बताया गया, सबसे पहले तो उनकी जो पक्ष था उनकी जो बातें थी वो सारी सुन